वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज के मीम्स और फनी क्लिप्स देखते हैं हमारे पिटारे में क्या क्या निकलता है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, आपका फेवरेट रैपर सिंगर कौन है, बादशाह या यो यो हनी सिंह? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं आगे अपने मीम्स पे। मैंने छोटा सा एक पोस्टर डाला इंडिया टूर का, हाँ क्या गलती करी, हर शहर था उसमें। हाँ। अब जिस शहर में मुझे लगता नहीं स्कोप है वहां हमने कभी टच ही नहीं किया, मुझे एक मैसेज आया हरिद्वार सीधे लोटे में हो गए क्या। भाई मैंने वो पोस्टर डिलीट कर दिया अपना वाला। क्या बात कर रहे हो भाई, डर गया भाई। भाई हर्ष भाई अब नहीं जाओगे हरिद्वार शो करने तो लोग तो यही बोलेंगे कि सीधा लोटे में यहाँ होंगे। पर जो जिस बंदे ने कमेंट किया था वो सेवेज था भाई, गजब गजब मतलब गजब। पेन और पेपर देना, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का पप्पा को जाने तुम्हारे, इसको कुछ नहीं कह रहा है, मेरी नजराए दलाल है, कह रहा है पापा पूरी दुनिया कराती है आपका। भाई अलग ही चल रहा है भाई, कुछ भी कहो, बादशाह भाई का और हनी भाई का कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है, उसमें हम कुछ बोलेंगे। अपना पहला सवाल हम डाल चुके हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हमें पता चल जाएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे किसको नहीं कर रहे। पर कुछ भी कहो, हनी भाई का जो गाना आया मिलियनेयर एक नंबर का गाना, जरूर जाके सुन लेना, मजा बहुत आएगा। बाकी लफड़े में हम आगे मजे लेते हैं, देखते आगे हमें क्या मिलता है। माइक ड्रॉप बाय किड्स। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। माइक ड्रॉप बाय लेजेंड्स। ये सबसे बढ़िया माइक ड्रॉप था, वो बंदे का ही हनी भाई वाला जाओ देखेंगे। जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं। भाई ग्राउंड पे ले आते मेरे घर वाले, हनी भाई की फोटो दिखा दी, कहना क्या चाहते हैं आप? जो आप कहना चाहते हैं हम समझ गए हैं, पर हम बोलेंगे नहीं। आप समझ गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पर हम बोलेंगे नहीं। उसने मेरी तरफ आता हुआ अपना दिल, उसने मेरी तरफ आता हुआ अपना दिल मोड़ा, पर मैंने नहीं मोड़ा। भाई गजब था, मैंने उसने मेरी तरफ अपना दिल मोड़ा, मैंने नहीं मोड़ा। आगे पूरा गाना भी गा देता गजब भाई। कुछ भी कोई इंडियाज को लेटेन भाई, मजा बहुत आता है देखने में, बस थोड़ी गाली गलौज कम हो रहा है, बाकी तो भाई अलग लेवल का एंटरटेनमेंट आजकल जो अपनी टीवी पर आते ज्यादा अच्छा ही आ रहा है, लिटरली जाके जरूर देखना। बात तो सही है। मंडप पे अगर दूल्हा दुल्हन कोई बैठाना था तो हम फूफाओं को क्यों बुलाया, कोई इज्जत ही नहीं हमारी, हमें यहाँ बैठा दिया दरी पे। इनका ही परिवार इज्जत कर लेता तो आज घर नहीं बच जाता क्या इनकी छोरियों का? अरे होंगी भाई साहब 10 तरह की सब्जियां बुफे में, मुझे तो गट्टे की सब्जी खानी है, गट्टे की सब्जी ला के दो मेरे लिए। मतलब वरमालाई चल रही थी ना, फूफा जी प्यास से खड़े हैं, ये नहीं कि दूल्हा खड़ा होकर एक लोटा पानी पिला दे फूफा जी। इज्जत ही नहीं है भाई साहब इस परिवार से, आप इज्जत की उम्मीद कर रहे हो क्या? देख ली ना इनकी लुगाइयां घर में ला के आपने, देख तो ली भाई। मतलब भाई साहब पूरे हॉल में बदबू आ रही है और हर कोई आके मुझे क्या पूछ रहा है कि फूफा जी आपका पेट खराब है क्या, बताओ। मुझे बोल रहे हैं भाई साहब फूफा जी आप अगर कंजूस नहीं हो तो पूरे परिवार को स्त्री टू दिखा के लाओ। मैं कंजूस हूँ भाई साहब, मैं पूरे मोहल्ले को स्त्री टू दिखा दूँ। आपको बात बताऊँ बुरा मत मानना, कंजूस तो आप हो थोड़े, स्त्री टू बढ़िया फिल्म है तो ये तो आप दिखा के लाओ। ये बढ़िया फिल्म है इसीलिए तो मैं पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा भाई साहब। भाई साहब आप बताओ मैंने क्या गलत बोल दिया, इनके फेरे चल रहे हैं, मैंने पंडित जी को बोला जी मुझे छींक आ रही है 2 मिनट फेरे रोक दो। सही बात है, आप फेरे नहीं रोक के गए जी, छींक इंपॉर्टेंट है कि फेरे? बताओ आप छींक है ना, स्टेज से हट जाए क्यों भाई? अरे बताओ, बोल रहे हैं कि वरमाला कहानी है, स्टेज खाली कर दो, फूफा जी को इज्जत नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, वरमाला होती रहेगी, अभी हम फूफाओं को बैठ के फोटो खिंचानी है, फोटो ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, फोटो ले आप। एक कमरा नहीं दिया गया भाई साहब, धर्मशाला में रुकवाया हुआ है अपन को। मैं तो जी सड़क पे सोया हूँ रात, सड़क पे सोया हूँ। अरे यार आप लुगाई वापस करो भाई, सच में कुछ भी कहो
भाई फूफा जी शादियों में नाराज ना हो तो शादी का मजा नहीं है। और जो स्त्री की बात कही कंजूस तो लोग होते हैं, पर स्त्री ऐसी मूवी को जाकर जरूर देखना चाहिए, मजा बहुत आता है। पूजा आजकल कुछ भी हो, अच्छा गाओ बुरा गाओ कुछ भी कर लो, लोग ट्रोल बहुत करते हैं। आपको भी करते हैं? हाँ करते हैं। अब कैसे हैंडल करती हो 150 करोड़ लोगों को? भाई भारतीय अंदर द लेवल, भाई भारतीय अंदर द लेवल, भाई ट्रोल करते हैं बल्कि 150 लोगों को कैसे आप बस सबर करते हो, 150 लोगों को ट्रोल कैसे आप सह लेती हो, गलत भाई। और बाकी लोग जो हंस रहे हैं गला फाड़ के कुछ और बताता फैमिली, ये है डोरेमोन के शो से भागा हुआ जियान, बोले तो कितनी बेल बुद्धि इंसान, मतलब जिसने इसका करियर बनाया था आज उसी को बोल रहा है कि कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो। अरे साले दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं, एक बंदा रॉस रॉयल है तो दूसरा बंदा नैनो। एक बंदे की वीडियो आती है बंदा ट्रेंडिंग पेज पे चला जाता है, तो दूसरे की वीडियो आती है बंदा पुलिस स्टेशन चला जाता है। बादशाह ने कबूल कर लिया है कि यूट्यूब पर अपने गाने के फेक व्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कंपनी को करीब 74 लाख रुपए दिए। शर्म आया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, तुम देख लो। आपने मार्वल की पिक्चर देखी है? हाँ। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद इरशाद, इनको इरशाद बोलने का भी नहीं पता। इसको जो चाहिए होता है चुपचाप। अर्ज किया है इरशाद, मेरी सचिन आ करो, मेरी सचिन, मेरी कोहली, मेरी धोनी है तू, मेरी सचिन, मेरी कोहली, मेरी धोनी है तू, मेरी मोहब्बत की दुकान की बोनी है तू, मेरी सचिन, मेरी कोहली, मेरी धोनी है तू, मेरी मोहब्बत की दुकान की बोनी है तू, और क्या बिगाड़ेगा हमारा ये जमाने वाला थैनोस। अरे मैं आर्क रिएक्टर, मेरी टोनी है तू। भाई कुछ भी कहो, टोनी जी की कोई बात नहीं कर सकता, टोनी जी अब आ रहे नए विलन बन के, उसमें मजा आएगा देखने में जब वो आएगी। जैसे जो चिल्ड्रन डे वाले चाचा नेहरू है ना, उनको बच्चे पसंद है पर वो नहीं है, क्योंकि उनको तो वैसे पसंद है कि भाई वाह वैसे बच्चे, उनको हाँ उनको उनको वैसे नहीं पसंद, ऐसे नहीं पसंद। एग्जाम्पल पीडोफाइल जैसे समय रैना भाई साहब है हमारे। नहीं भाई वो नहीं है, वो रिवर्स पीडोफाइल है, क्योंकि बच्चों का समय रहना पसंद है। भाई से ये बोल के अपना जो कहते हैं ये जीतने का 99% तो कंफर्म कर दिया है कि इंडियाज गॉट लेटेंट यही जीतेगा। पर कुछ भी कहो गजब है, मजा बहुत आता है, आप जरूर जाके देख रहे हैं, मजा बहुत आता है। ले 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 चल। खाने आप ही लोगों को है। ये क्या किया तुमने? ये लो। अब मैं खाऊं। आइए आप काउंटर पे खाने। भाई भारती ने उस टाइम तो छींक मारे, बाद में उसको याद, ओए चिन ये तो हमें खाना है। चेहरा देखने लायक था भारती का। कुछ भी कहो, उसका जो कृष्णा ने किया वो अदर लेवल, कृष्णा तो कृष्णा है भाई। एक सुनना सुनना माना लोला दोस्तों, जैसे किसान मेहनत करके हार्ड वर्क करके ड्राई फ्रूट्स को सुखा सुखा के ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं, और हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगो भिगो के खा रहे हैं। मेरे को बहुत फनी लगता है ये वाला। तो दूसरा एक बार चींटी ने हाथी से कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, तो फिर हाथी ने कहा कि नहीं, फ्रेंड जोन फ्रेंड जोन। फिर
फिर चींटी ने कहा क्यों, फिर हाथी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें हाँ कर दूंगा तो फिर लोग मुझे पीडोफाइल कहेंगे। ऐसे सबको समझ, जिस इंग्लिश आनी चाहिए मतलब। भाई समझ में तो मुझे भी नहीं आया, पर मजा बहुत आया। पर सबसे मस्त था पहले वाला, उसने बोल तक गया कोई रिएक्शन नहीं, जब बाकी बुरा थे तो बाकी सब हंसे, पर कुछ क्यों मजा था, अच्छा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। यार ये लड़के को नाड़ा बांधना आता, लड़कों को नाड़ा बांधना नहीं आता। सच्ची श्रद्धा को फूल को प्यार करता है तुमको सच्ची अच्छी लगती है। तो मैं जैस्मिन से यही कहूंगी, जैस्मिन जैस्मिन अपना रास्ता नाप ले, उसने अपना नाप लिया है। मुझे गुस्सा आ गई सच में यार, मैंने अली को पहली बार ब्लश करते देखा शर्माते हुए, वरना ये ऐसा बोल देता कि लड़की शर्मा जाए, पर आज ऐसे ऐसे गोपाल भाई शर्मा जाते हैं जब बोलते हैं। भाई सबसे बढ़िया था लास्ट वाला कि भाई हरपाल जी बोलते उसमें शर्मा जाता है, पर कुछ भी गाली है मत भाई, सबसे बढ़िया कुक वही है लाफ्टर चैंप में। अभी जो लास्ट वीकेंड जब आपका ये क्या कहते हैं क्या, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे हाँ, जो थर्सडे फ्राइडे उस वाली था नहीं, वो बीमार था तो भाई मिस बहुत किया, क्योंकि खाना किसी ने अच्छा नहीं बनाया। उसमें बाकी लोगों के एडवांटेज मिल गए, जो 19-20 वाले थे वो पास हो गए, जो 100 वाला था वो था ही नहीं, तो 19-20 वाले को मिल गए, क्योंकि पता है उससे ऊपर कोई है नहीं इसलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, ये किस ईयर में जीता था? 2006 नहीं, पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था? एक यार शास्ता यार, नहीं नहीं शास्ता, 92 यार, तुम दोनों मिली हुई आपस में। अब दोबारा पूछे, पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था? 1992। भाई ने अंदर ही चेंज कर दिया। भाई कैसे भाई, पाकिस्तान में लोग क्या बोल रहे हैं? वो एक्ट्रेस है वाकिशा है, उनको ये बोले 92 का वर्ल्ड कप कब जीता था, 92 में जीता होगा, 92 वर्ल्ड कप 89 में थोड़ा जीतेंगे। भाई गजब है भाई, कुछ भी कहो गजब, मजा बहुत आता है सब देख के। तो ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, नोटिफिकेशन की बेल बजाए, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हनी सिंह या बादशाह, तो कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट करके जरूर बताना। अब आपकी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले अपनी मम्मी पापा से बहुत सारा प्यार करें, स्माइल करते रहें, एंड गुड बाय।